नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का आज सेकेंड सेमीफाइनल जो है मैच है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। क्रोशिया एंड इंग्लैंड के बीच में आज मैच है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैंने ये जानने की कोशिश की है कि आज का दिन किसके फेवर में रहेगा। उसके लिए मैंने जो हरेरी नंबर लिया वो 219, आज ही का दिन सुबह 11:11:45 जजमेंट का प्लेस लुधियाना, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो ये भाव चार्ट क्रोशिया और ये इंग्लैंड का। जैसे कि जो दोस्त मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या सीख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कोई भी प्लेयर के बारे में या किसी टीम के बारे में पता करना हो तो यदि किसी टीम का फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 6, 10, 11 फेवर में होंगे तो वो टीम जो है मैच जीत जाती है, और यदि 4, 5, 8, 9, 12 सिग्निफिकेंट कर रहे होंगे तो वो टीम या प्लेयर जो है वो मैच हार जाता है। तो चलिए आज देखते हैं क्रोशिया के जो फर्स्ट कस्पल सबलोड निकल के आया वो मेरे पास आया वीनस, जो कि 6th हाउस में है, 9th हाउस का वो लॉर्ड बना, केतु के स्टार में, केतु जैसे कि जानते हैं 11th हाउस में, और आजकल केतु मंगल के साथ है और मंगल 12th हाउस में, 3rd हाउस का वो लॉर्ड, सब राहु 5th हाउस में, राहु आजकल मरकरी के साथ, मरकरी 6th हाउस में, और मरकरी अनटेनेंटेड है और वो 2nd और 10th हाउस का कस्पल सबलोड बना। तो जानेंगे फर्स्ट कस्पल सबलोड जो है क्रोशिया की टीम का वो 3rd, 6th, 10th and 11th सिग्निफाई कर रहा है। 6th कस्पल सबलोड जो क्रोशिया टीम का है वो निकल के आया राहु उपनक्षत्र स्वामी, 5th हाउस में मरकरी 6, जैसे कि 2nd और 10th का वो कस्पल सबलोड बना, स्टार सैटर्न 10th हाउस में और 1st हाउस का वो लॉर्ड है, सब मून टेनेंटेड है, सो अपना वो रिजल्ट नहीं देगा, अपने स्टार का रिजल्ट देगा, और मून जो है वो मंगल के नक्षत्र में और मंगल 12th हाउस में, 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल हाउस है वो क्रोशिया की टीम के 6th कस्पल सबलॉर्ड जो सिग्निफाई कर रहा है वो 1st, 3rd, 6th and 10th हाउस। 11th हाउस कस्पल सबलॉर्ड मंगल, 12th हाउस में 3rd का लॉर्ड, स्टार मून 4th हाउस में, सब जुपिटर ट्रेंटेड है, सो अपने स्टार का रिजल्ट देगा, स्टार राहु 5th में, मरकरी के साथ मरकरी 6, 2nd और 10th का कस्पल सबलॉर्ड। तो यहां पे हमारे पास जो हाउसेस हैं वो 3, 6 and 10। इंग्लैंड का देखेंगे तो इंग्लैंड का फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड मंगल 5th हाउस में है, 9th हाउस का वो लॉर्ड बना, स्टार मून 10th हाउस में, सब जुपिटर टेनेंटेड है, स्टार राहु 11th में, मरकरी 12th हाउस में और 2nd हाउस का वो लॉर्ड बना। क्योंकि मैंने एक ही होरेरी नंबर लिया और इस चार्ट को मैंने रोटेट कर दिया 7th हाउस से, मतलब इस चार्ट का जो 12th कस्पल सबलॉर्ड होगा, 12th हाउस होगा, वो इंग्लैंड के लिए 6th हाउस बन जाएगा। 6th कस्पल सबलॉर्ड मरकरी, जो कि 12th हाउस में है, 2nd का लॉर्ड बना, 3rd और 6th का वो कस्पल सबलॉर्ड है क्योंकि वो टेनेंटेड है, स्टार मरकरी अपने ही स्टार में है तो सेम वही सिग्निफाई कर रहा है हाउसेस, सब वीनस टेनेंटेड है, और 12th हाउस में 7 और 9 का वो कस्पल सबलॉर्ड बना। तो जो हाउसेस है वो 3 और 6 जो जिताने वाले हाउसेस हैं वो सिग्निफाई कर रहे हैं। 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मून, 10th मंगल के स्टार में, 5, 9 सब सैटर्न टेनेंटेड है तो अपने स्टार का रिजल्ट देगा, स्टार केतु मंगल के साथ 5 और 9 ओनली 10th। अब देखिए फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड 3, 6, 10, 11 और इधर इंग्लैंड के 10 और 11, 6th कस्पल सबलॉर्ड 1st, 3rd, 6, 10 और इधर देखेंगे 3 and 6, 11th कस्पल सबलॉर्ड 3, 6, 10 इधर ओनली 10। मतलब आज का दिन जो है इंग्लैंड के लिए
फेवर में नहीं रहना चाहिए। और क्रोशिया को आज सेकेंड सेमीफाइनल जो है फीफा वर्ल्ड कप का वो जीतना चाहिए और फाइनल में एंटर करना चाहिए। ये था आज का टॉपिक, आपको अच्छा लगा हो। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।